सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है पैन पैन या कढ़ाई, आपके पास में जो अवेलेबल है इस तरीके से पैन ले लीजिए। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया और सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, 1 टीस्पून जीरा, बारीक कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कूट कर दरदरा करके इसे भी इसमें ऐड कर लेना है और इसे हल्के तरीके से इस तरीके से चला लेना। जीरा, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है और अब हमें क्या करना है, इसमें पानी ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने इस बाउल से 2 बाउल पानी लिया है। और अब हम इसमें ऐड करना है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिए हैं ये रेड चिल्ली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो इसे आप ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून SDS मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, और यहाँ पे मैंने लिया एक आलू। आलू को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है और आलू को भी हम इसमें ऐड कर लेना है। और 2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से बॉईल होने देना है, जिससे कि जो हमारा आलू है आलू का कच्चापन निकल जाए और वो अच्छे से बॉईल हो जाए। 2 मिनट हो गए और आलू हमारा अच्छे से आलू का जो कच्चापन है वो निकल गया है। और अब हम इसमें ऐड करना है, यहाँ पे जिस बाउल से हमने 2 बाउल पानी लिया था उसी बाउल से यहाँ पे मैंने 1 बाउल रवा यानी कि सूजी ली है, सूजी को भी ऐड कर लें और इसे चलाते रहेंगे, इस तरीके से चलाते रहेंगे। हमारे आलू और सूजी जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। और अब हम इसे इसी स्टेज पे क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसे अलग से जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गुनगुना हो गए और अब हम इसमें ऐड करना है, यहाँ पे मैंने लिए 1/2 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से प्रेस कर लें, इसके चारों तरफ इस तरीके से मिला लेंगे और इसे हाथ से थोड़ा सा हम सेट कर लें। और इस तरीके से एक परफेक्ट तरीके से इसका, जैसे आटे का डो लगाते हैं उस तरीके से इसका डो लगा लें। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ले लें और आप चाहें तो यहाँ पे किसी प्रकार से भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से गोल भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इन्हें शेप दे रहा हूँ, और बाकी को भी हमें इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से शेप देकर इन्हें कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आप इन्हें फ्रिज में रखकर इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे कोई गेस्ट आए तो आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। ये एकदम आसान और एकदम हेल्दी और एकदम आसान रेसिपी है। और यहाँ पर मैंने उसी पैन में ऑयल रखा है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और अब हमें एक एक करके इन्हें इस तरीके से फ्राई करने के लिए रखना है। एकदम हाई फ्लेम में हमें इन्हें फ्राई करना है, एक बार में जितने आए हमें उतने इन्हें फ्राई कर लेना है। और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा जो स्नैक्स है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब हम इन्हें क्या करेंगे, इस तरीके से इनका, जिससे कि सारा ऑयल निकल जाए, इन्हें क्या करेंगे इस तरीके से अलग से एक छन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि इनका सारा ऑयल निकल जाए। ये देखिए
और इस तरीके से इन्हें एक अलग से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितना करारा क्रिस्पी यहाँ पे हमारा आलू और सूजी का स्नैक्स बनके तैयार हो गया। और बाकी को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और एकदम गर्मा गर्म करारा क्रिस्पी कच्चे आलू और सूजी का हमारा स्नैक्स बनके तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि कितना करारा क्रिस्पी हमारा स्नैक्स बना है। ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना करारा क्रिस्पी हमारा स्नैक्स बना है। देखिए ये देखिए एकदम करारा क्रिस्पी हमारा कच्चे आलू और सूजी का स्नैक्स बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप इसे हरी वाली चटनी और लाल वाली चटनी के साथ में इस तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे आलू और सूजी के स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास में आएगी। आज के रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ।